ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। और अब बात भीलवाड़ा से बड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कोटडी दौरा बताया जा रहा है। कोटडी चार भुजानाथ के दर्शन भी मुख्यमंत्री करेंगे तो गौशाला में चिकित्सालय का उद्घाटन करेंगे। विकास के कई कार्यों का जो है लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो कोटडी पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस समय कोटडी दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सुबह 11 बजे कोटडी पहुंचने का है कार्यक्रम। विकास के कई कार्यों का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। वहीं गौशाला में चिकित्सालय का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा है भीलवाड़ा से। सीएम भजनलाल शर्मा का आज कोटडी दौरा जो है वो रहने वाला है और चार भुजानाथ के दर्शन जो है सीएम भजनलाल करेंगे। कई कार्यक्रम भी उनके प्रस्तावित हैं। तो आज का क्या कुछ खास कार्यक्रम, वो हम आपको पल पल की अपडेट जो है न्यूज 18 पर दिखाते रहेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई। राजस्थान के 2 कांग्रेस नेताओं को स्टार सूची में शामिल किया गया है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। तो पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा भी स्टार प्रचारक के लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की AICC प्रभारी हैं दिव्या मदेरणा। तो यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। और बीसलपुर बांध फिर से लबालब हो चुका है। जी हां, बांध का जो जलस्तर है वो 315.49 मीटर पहुंच चुका है। तो आज सुबह 6 बजे बांध में जलस्तर 315.49 मीटर और बांध की कुल भराव जो क्षमता है वो 315.50 मीटर है। और अब कभी भी बीसलपुर के गेट खोले जा सकते हैं। कल देर रात बीसलपुर बांध पर सायरन भी बजा, हुंडर बजाकर पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया गया। तो बांध के जल निकासी क्षेत्र के लोगों को जो है सावधान किया गया है। डाउनस्ट्रीम में बसी आबादी को जो है सतर्क किया गया है। बांध के गेट खोलने से पहले जो है सायरन बजाया जाता है ताकि लोग सतर्क रहें। तो बीसलपुर बांध पर आज सुबह फिर से सायरन बजा। जल संसाधन विभाग, स्थानीय प्रशासन और जलदाय विभाग भी अलर्ट मोड पर है। और चलिए अब